हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस प्रिपेयरिंग टेक्निक्स, दैट इज सैंड ब्लास्टिंग एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, शॉर्ट ब्लास्टिंग क्या होती है, मतलब थ्योरेटिकल किस तरह से उसमें होता है, और आपका सैंड ब्लास्टिंग किस तरह से होती है, उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर मैं वीडियोज बना चुका हूँ। तो आज स्पेसिफिक हम बात करेंगे इन दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस वहीं पे देखा जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने आपस में सिमिलरिटी हो। तो इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों टेक्निक्स हैं, इन दोनों टेक्निक का यूज़ होता है सरफेस को प्रिपरेशन करने के लिए, सरफेस को रेडी करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले ये कहलाती है दोनों अब्रेसिव ब्लास्टिंग टेक्निक, है ना। अब्रेसिव क्योंकि इसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पर भी अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, और वो अब्रेसिव पार्टिकल उस सरफेस की क्लीनिंग करते हैं, उस सरफेस को स्मूथ करते हैं, ना, और रफिंग में भी होता है। तो इसमें सैंड ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग दो टेक्निक हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, ये आप देख सकते हैं ये जो सैंड ब्लास्टिंग है, यहाँ पे जो अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ किए गए इनका साइज़ छोटा है। बेसिकली सैंड ब्लास्टिंग में क्या होता है, आप एक कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं और प्लस सैंड के पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, और सैंड के साथ कुछ अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू शॉर्ट ब्लास्टिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग में इस तरह की आप बॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली दोनों में आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के साथ सैंड ब्लास्टिंग क्या है, ये सैंड मिलाते हैं, और शॉर्ट ब्लास्टिंग में इस तरह का ये शॉर्ट मिलाते हैं, सैंड नहीं मिलाते वहाँ पे, और सैंड के साथ बेसिकली कुछ अब्रेसिव पार्टिकल्स भी मिलाते हैं। सैंड खुद भी एज अब्रेसिव पार्टिकल्स परफॉर्म करती है क्योंकि इसमें सिलिका होता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं राइटअप क्या क्या है। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट ब्लास्टिंग होती है उसमें जो अब्रेसिव यूज़ होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपके शॉर्ट यूज़ होते हैं, जो आपने बॉल्स यूज़ किए वो एज शॉर्ट होते हैं, मतलब उस सरफेस में बहुत तेज़ी से इम्पिंज होते हैं, है ना। और ये शॉर्ट जो होते हैं ये बॉल्स की फॉर्म में होते हैं, और ये किस मटेरियल के बने होते हैं, जनरली अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक अब्रेसिव पार्टिकल्स है। इवन आपका ग्राइंडिंग व्हील में भी अब्रेसिव पार्टिकल्स में इसको यूज़ करते हैं, कार्बन ग्रेट ना, ये सारे यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी डिपेंड करता है कौन सी सरफेस के ऊपर, है ना, कौन सा मटेरियल है जिसके ऊपर आप शॉर्ट ब्लास्टिंग या अब्रेसिव ब्लास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं अब्रेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, फिर आप नीचे यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग सैंड ब्लास्टिंग कैन यूज़ मेटेलिक शॉर्ट, बट मोर ऑफन इट यूजेज, मतलब जो सैंड ब्लास्टिंग है उसमें भी सेम अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली सैंड ब्लास्टिंग में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं उनकी हार्डनेस कम होती है। आप एक चीज़ और समझिए, जहाँ जो शॉर्ट ब्लास्टिंग है वहाँ पे जो अब्रेसिव पार्टिकल्स टकराते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से टकराते हैं, सैंड ब्लास्टिंग उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं होती है। प्लस अब्रेसिव पार्टिकल्स जो वहाँ पे शॉर्ट ब्लास्टिंग यूज़ करते हैं उनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, और सैंड ब्लास्टिंग में जो अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं उनकी हार्डनेस क्या होती है, कम होती है। तो आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, ऑफन इट यूज़ जेंटल अब्रेसिव, है ना, सच एज ऑर्गेनिक मीडिया और ग्लास, ये सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। सिलिका सैंड भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिलिका चूँकि एक हार्मफुल होता है, और सिलिका की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकते हैं, ना, लंग्स ख़राब होने की डिजीज हो सकते हैं, इसलिए सिलिका को अभी हाल फिलहाल बंद करने का प्लान चल रहा है। अब देखेंगे आगे आप इसमें टेक्निक, ब्लास्टिक टेक्निक की बात करें तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में जो बॉल्स होती है, मैंने अभी एब्रेसिव पार्टिकल दिखाया, वो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टाइप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बॉल्स उसके ऊपर इम्पिंज होती हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, और ये जो पूरा शॉर्ट ब्लास्टिंग का सेटअप होता है ये पूरा क्लोज्ड होता है, जबकि सैंड ब्लास्टिंग में क्या होता है, जो वर्क पीस होता है वो बाहर होता है, और जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होता है, एयर अब्रेसिव पार्टिकल सैंड का जो मिक्सचर होता है वो उस पर स्ट्राइक करता है, है ना, तो वर्क पीस इसमें बाहर होता है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग शॉर्ट ब्लास्टिंग द मीडियम इज लोडेड इन टू अ सेंट्रीफ्यूगल व्हील विच शूट्स द मीडियम एट द सरफेस एट हाई स्पीड, है ना, या हाई वेलोसिटी। दिस इज यूजली डन इज अ क्लोज चैम्बर, ठीक है, विद इन अ पीस ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी। अगला आप सैंड ब्लास्टिंग देख सकते हैं, सैंड ब्लास्टिंग में जनरली आप क्या यूज़ करते हैं, एयर या वाटर यूज़ करते हैं, जनरली एयर यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली एयर यूज़ करते हैं,
और सबसे पहले क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग केस में एब्रेसिव पार्ट एयर को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको सैंड और आपका जो एब्रेसिव पार्टिकल उसमें मिक्स करते हैं। मिक्स होने के बाद उसको एक नोजल के थ्रू जो वर्कपीस होता है जिसके ऊपर आप सैंड ब्लास्टिंग परफॉर्म करते हैं उस पर इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती सरफेस की, वहाँ पे आप इस तरह का सेटअप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैंड ब्लास्टिंग होती है वहाँ पे जो स्पीड होती है वो उतनी हाई नहीं होती जितनी किस्म होती है शॉर्ट ब्लास्टिंग के केस में होती है। अब कहाँ पे आपको शॉर्ट ब्लास्टिंग यूज़ करना है, कहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग यूज़ करना है, वो भी आप देखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग क्लीनिंग सिस्टम्स आर टिपिकली बेस्ट यूज ऑन हार्डर। ये जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ वही है कि हार्डर सरफेस होती है उसको क्लीन करने के लिए, मेटल सरफेस उसको क्लीन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है रिमूविंग रस्ट, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है रिमूविंग रस्ट पेंट, कोई सरफेस से रिमूव करना है तो उसके लिए आप शॉर्ट ब्लास्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ सैंड ब्लास्टिंग ऑन द अदर हैंड इज़ टिपिकली यूज फॉर प्रिपेयरिंग सरफेस की जो प्रिपरेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका पंप है, पंप की जो सरफेस होती है उसको आउटर केसिंग होती है उसको बनाने के लिए हम सैंड ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं उसकी सरफेस को तैयार करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है और है ना, इसमें आप और लिखा हुआ देख सकते हैं कि डेलिकेट सरफेस जिनकी हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती है जैसे प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, वुड है, उस केस में आप सैंड ब्लास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने ने देखा होगा कि जो फाउंड्री होती हैं है ना, फाउंड्री में जैसे केसिंग होती है किसी चीज़ की, मोटर की केसिंग बनना है या पंप का आउटर कवरिंग बनना है, तो वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग की जाती है और वहाँ पे शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है और शॉर्ट ब्लास्टिंग जो सरफेस मिलती है वो थोड़ी सी रफ़ सरफेस मिलती है। ठीक है, जबकि सैंड ब्लास्टिंग से जो आपको सरफेस मिलेगी वो स्मूथ मिलेगी इन कंपेरिजन टू शॉर्ट ब्लास्टिंग। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। So thank you. If you have any feedback, please do comment.